नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करुछी ओडिया फार्मिंग दुनिया को। आज वीडियो रे चासी भाई माने जानिबे लेट्यूस चासर पद्धति प्रणाली संपर्क रे। एहा कौन, चासी भाई माने करी एहा को केते लाभ पाई परिबे एवं समय कौन रहिबो, जलवायु मृत्तिका ए सब संपर्क रे आलोचना करिबा। तबे वीडियो टी को आरंभ करिबा पूर्वरु सब्सक्राइब करिनियंतु, ओडिया फार्मिंग दुनिया को पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को प्रेस करिनियंतु। तबे आजिका समय रे जदि देखिबा लेट्यूस रो बहुत चाहिदा रहुछि एवं एहा एक सफलतार सह चास करा जाय परिबो, किंतु भारत रे तथा ओडिसा रे एहा को कृषक भाई माने ध्यान देउनाती। जदि एहा को ध्यान दे चास करंती निहाति भाबरे लाभजोग होई परिबे, कारण बजार रे एहार मूल्य अधिक रहितै आउ आजिका समय रे एहार चाहिदा अधिक। तबे आसंतु जानि रखिबा ए लेट्यूस कोन रहुछि एवं कोन पई एहार चाहिदा अधिक रहुछि। तबे लेट्यूस एक थंडा दिनिया सालाड फसल। सालाड रे खास करी ए लेट्यूस रो पत्र को व्यवहार करा जाय। एथिरे प्रचुर परिमाण रो विटामिन फास्फोरस एवं अन्यान्य खनिज लवण रहिते। बॉडी रो डिहाइड्रेशन समय भी यह खिया जाए आउ एथिरे बहुत विटामिन थिबारु लोक माने को डाइट रे शामिल करंते, सालाड रे खाइबा पई पसंद करंते। खास करी जदि आपण जंक फूड भी देखिबे, बड़ बड़ ब्रांड रे आपण जदि पिज्जा बर्गर खाउछंती सेथिरे मध्ये गोटे पत्र दिया जाय थाए जहाकु लेट्यूस बोली कहा जाय। सेई लेट्यूस रो बहुत प्रकार रो जिंछ थाए जहा हम शरीर को अनेक प्रकार रो फायदा देथाय। तेबे आजिका समय रे जों भली भाबरे रेस्टोरेंट होटल सब खोला जाउछि सेठी लेट्यूस रा आवश्यकता बहुत रहिछि। तेणु चासी भाई मन जदि एहाकु चास करंति एवं एहाकु तांकु सप्लाई करंति निहाति भाबरे भल फायदा पाइ परिबे। तबे आसंतु जानि रखिबा एथि पई कोन सब आवश्यक। तबे आसंतु आलोचना करिबा लेट्यूस चास पई कोन कोन आवश्यक रहिछि जलवायु मृत्तिकाय सब संपर्क रे। प्रथमे आलोचना करिबा जलवायु। लेट्यूस एक थंडा जलवायु आवश्यक करुथिबा फसल। एहा उप उष्ण मंडलीय जलवायुर मध्य चास करा जाय पारे। अधिक ओ कम तापमात्रा लेट्यूस मंजी अंकुरण उपरे प्रभाव पकाइ थाए। 13-16 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तापरे भल होइ थाए। मूर्तिका जदि आमे देखिबा उर्वर निगिडा बालिया दोरसा माटी लेट्यूस चास पई सर्वोत्कृष्ट। माटीर अम्लता 6.0-6.5 भितरे भल हुए। तबे लेट्यूस रे अनेक उन्नत किस्म रहिछि जथा ग्रेट लेकस, चाइनीज येलो, स्लो बोल्ट। एहाकु नै आपण चास कले आपणको अमल भल मिलिथाय। बिहन एकर प्रति हाराहारी 160-200 ग्राम मंजी आवश्यक होइथाय। पटाळी प्रस्तुत अक्टोबर मासरु नवेम्बर मास लेट्यूस चासर उपयुक्त समय होइथाय। लेट्यूस पटाळी फुलकोबी ओ बन्धाकोबी पटाळी सहित समान। जमी प्रस्तुति ओ चास प्रणाली। जमिकु 3-4 ओर चाष करि समतुल करिदेबा आवश्यक। चारा रोपण करिबा समय रे धाडी कु धाडी 45 सेंटीमीटर एवं गछ कु गछ दूरता 45 सेंटीमीटर रखिबा आवश्यक। खत सार विषय रे जदि आम आलोचना करिबा तेबे शेष ओर चाष समय रे 8-10 सगड़ गाड़ी भल सढ़ा गोबर खत जमी रे प्रयोग करिबा आवश्यक। चारा रोपण समय रे मूल सार हिसाब रे 10 किलोग्राम रो जबखराजन, 40 किलोग्राम रो फास्फोरस एवं पुणी 10 किलोग्राम रो जबखराजन पत्र बांधिबा समय रे शीर्ष सार हिसाब रे दिया जिबा आवश्यक। जलसेचन। चारा रोपण करिबा परे जलसेचन करा जिबा आवश्यक। चारा रोपण करा जिबार 3-4 दिन परे हालुका जलसेचन करिबा उचित। एहा परे 7 दिन रे थरे जलसेचन करा जिबा आवश्यक। परवर्ती जत्न। घास बाची कोड़ा खुसा करि लेट्यूस फसलर एक नित्यांत आवश्यक कार्य। चारा रोपण करिबार 21 दिन परे प्रथमे कोड़ा खुसा करिबा आवश्यक। तबे फसल संरक्षण रोग पोक। साधारणतः लेट्यूस फसल रे रोग देखा जाए नाही। केतेक स्थान रे जौ पोक लागंती सेतिपाई मेटास्टिक्स कीटनाशक औषध को एकर प्रति 400 मिलीमीटर हिसाब रे 200 लीटर पानी सह मिसाई पत्र रे सिंचन करा जाए। आउ अमल कथा आमे जदि आलोचना करिबा तबे एकर प्रति हाराहारी 40 क्विंटल लेट्यूस अमल होइथाय, जहाकु आपण माने बजार चाहिदा हिसाब रे बिक्री करि लाभजोग्य होइ परिबे। तबे आशा लागुछि आजर ए भिडियोटी चासी भाई मानको पसंद आसिबो। आगको एभली कृषिभित्तिक नुआ नुआ विषय रे जानिया पई चाहुथिले आम सहित जोडी होइ रहिथांतु। सब्सक्राइब करिनंतु ओडिया फार्मिंग दुनिया को, भिडियो को लाइक शेयर करिनंतु। से पर्यंत मु रहली, नमस्कार।